गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आरपीएस पब्लिक स्कूल। वी आर इन द पीरियड ऑफ क्लास 7 मैथ्स। हम लोग अभी क्लास 7 के मैथ पीरियड में हैं। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने एक्सरसाइज 11A स्टडी किया था। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने एक्सरसाइज 11A प्रॉफिट एंड लॉस इसको हम लोगों ने पढ़ा था और कुछ होमवर्क दिए थे। 1 to 10 आपको सॉल्व करने के लिए आई थिंक आप लोगों ने कम्प्लीट कर लिया होगा। फॉर्मूला और डिफाइन लिखवाए थे कुछ, तो वो हम समझते याद कर लिए होंगे आप लोग, ठीक है। अब इसको हम लोग और कुछ प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। आई थिंक 1 to 10 में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो 1 to 10 आप लोग बना करके हमें होमवर्क पे भेज देंगे और आज हम लोग नेक्स्ट अपने स्टडी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हमारा और कुछ मोर एग्जाम्पल्स इसमें देख सकते हैं हम लोग, जैसे एग्जाम्पल 1 हम लोग फिर आगे देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड। तो इसमें हमारा कुछ क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कुछ क्वेश्चन दे दिया गया कि ऑन सेलिंग ए सोफा सेट फॉर रुपीज 21,600, ये डीलर गेन 8%। ए डीलर गेन 8%, ये डीलर गेन 8%। तो फॉर हाउ मच डिड ही परचेज इट, तो फॉर हाउ मच डिड परचेज इट, कितने में परचेज किया था। चलिए हम लोग सोल्यूशन लिखते हैं इसमें, ठीक। तो दे रहा हुआ है कि ऑन सेलिंग ए सोफा सेट फॉर रुपीज, यानी सेलिंग प्राइस दिया हुआ है आपका, सेलिंग प्राइस दिया हुआ रुपीज 21,600, गेन दिया हुआ है आपका 8%। निकालना है आपको क्या बच्चों, कॉस्ट प्राइस क्या होगी। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला लिखाया था आपको, 100 into सेलिंग प्राइस और 100+ गेन, हमने ये फॉर्मूला दिया था। यानी 100 into सेलिंग प्राइस हमारा और 100+ ये हमारा हो गया, दैट मीन्स ये कितना हो गया बच्चों हमारा, 100 into 21,600 भाई दोनों को ऐड कर देंगे, 108 हो गया, ठीक है। अब इससे क्रॉस कर देंगे तो 108 2 हो जाएगा हमारा 216 और 2 0 हम डाल देंगे, यानी रुपीज इनको इंटू कर देंगे इतना रुपीज हो जाएगा हमारा इसका कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया बच्चों, 20,000 कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। इसको राइट डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको राइट डाउन कर लीजिए जल्दी जल्दी, ठीक। नेक्स्ट अगला एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, एग्जाम्पल 2 में, बस इसमें करना कुछ नहीं, अगर फॉर्मूला याद रहेगा वो बिल्कुल आसानी से सारे सवालों को सॉल्व कर लेंगे। फॉर्मूला बिल्कुल जल्दी से जल्दी आपको याद कर लेंगे निश्चित, ठीक है। विदाउट फॉर्मूला ये नहीं बन पाएगा, दिक्कत होगा बनाने में, ठीक है ना। और फॉर्मूला याद रहेगा तो आसानी से आप हमारा सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल 2 हमारा कोई दे दिया क्वेश्चन, एग्जाम्पल 2 में हमारा जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया कि ऑन सेलिंग ए कैलकुलेटर फॉर रुपीज 1,350, ऑन सेलिंग ए कैलकुलेटर, ऑन सेलिंग ए कैलकुलेटर फॉर रुपीज, ऑन सेलिंग ए कैलकुलेटर फॉर रुपीज, फॉर रुपीज, फॉर रुपीज 1,325
ए मैन गेन 6%, ए मैन गेन 6%, ठीक है, ए मैन गेन, फॉर हाउ मच शुड ही सेल इट, देयरफॉर फॉर हाउ मच, फॉर हाउ मच डिड, फॉर हाउ मच डिड ही सेल इट, फॉर हाउ मच डिड ही सेल इट टू गेन, हाउ मच डिड ही सेल इट टू गेन, टू गेन 12%, यानी 12% प्रॉफिट के लिए उसको कितना में वो बेचना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम बच्चों सबसे पहला काम क्या करेंगे कि इसका कॉस्ट प्राइस पहले निकालेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए कैलकुलेटर, ठीक है, कैलकुलेटर का कॉस्ट प्राइस कितना होगा ये हम निकाल ले रहे हैं। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में हमारा दिया हुआ है कि सेलिंग प्राइस कितना है बच्चों, इसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ₹1,325, गेन कितना ले रहा है, ये गेन ले रहा है, पहला गेन हम ले रहा है कितना 6% का, ठीक है। इस सेल का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला दिया था आपको 100 इंटू सेलिंग प्राइस बाई 100 प्लस गेन, क्लियर। तो चलिए हमने देख लिया इसको क्या हो गया, 100 सेलिंग प्राइस हमारा कितना है 1,325 बाई 100 प्लस 6 है हमारा, यानी 100 इंटू 1,325 बाई 106। अब इसको हम चाहें तो काट सकते हैं, ठीक है ना, इसको क्रॉस कर सकते हैं, चलिए हम इसको क्रॉस करते हैं, ठीक है, तो 2 से क्रॉस करते हैं, ये हो जाएगा 53 और ये हो जाएगा 5050, ठीक है। अब 53 से हम इसको देख सकते हैं क्रॉस करके, ठीक, 53 से इसको क्रॉस करके चेक कर लेते हैं हम लोग, 53 से डिवाइड कर देते हैं 1,325 कितनी बार में लगेगा, तो 2 जा लगा दिए हम, 106 हो गया हमारा, ये 12 माइनस हो गया कितना 6 हो गया, ये हो गया हमारा कितना 2 हो गया, ये 5, अब 5 जा लगा करके ट्राई मार करते हैं हम, तो 5 3 15, 5 5 25 1, यानी 25 सा कट जाएगा हमारा, ये इतना 25 जा, क्लियर। ये रफ वर्क हमारा हो गया, इस रफ वर्क को हम क्या करेंगे हटा सकते हैं, ठीक है ना, ये रफ वर्क हमने चेक कर लिया। अब नेक्स्ट हम देख सकते हैं इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो 25 5 125, एक जीरो लगा दी, यानी ये 1,250 इसकी कॉस्ट प्राइस हो गई। अब आगे क्या कहता है इसको कि सेलिंग प्राइस निकालना है, तो कितने में बेचे कि 12% का गेन हो, यानी न्यू सेलिंग प्राइस, न्यू सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस पर जो हमने फॉर्मूला दिया है आपको 100 प्लस गेन बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ये फॉर्मूला हमने आपको दिया था, ठीक है, यानी 100 गेन इसको लेना है कितना 12% का, 100 कॉस्ट प्राइस हमारा आया है कितना बच्चों इसका 1,250, यानी 1,250, क्लियर। अभी हमारा हो गया 100 12 बाई 100 इंटू 1,250। अब इसको हम क्रॉस कर सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो काट दिया हम इसको, ठीक है, अब इसको 5 से काट सकते हैं, तो 5 2 10 और 25 5 हमारा हो गया 125, और इससे क्रॉस कर सकते हैं, तो 2 5 10 2 6 12, यानी हमारा कितना हो गया बच्चों 56 इंटू 25। अब इसको हम इंटू कर देंगे, ठीक है, इसको रफ वर्क पूरा कर लेते हैं हम लोग, 56 इंटू 25, ठीक है, इसको रफ कर लेते हैं हम, 56
इंटू 25 कर लिया इसको, इसको कर देंगे हम तो आई थिंक 280 हो जाएगा, ठीक है, और इसको कर देंगे तो कितना 112 हो जाएगा, ठीक है। यानी कितना हो गया हमारा बच्चों रुपीज 1400, यानी न्यू सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो गया बच्चों 1400 रुपीज। यानी इसको अगर 1400 रुपीज में ये बेचेगा तो इसको 12% का गेन होगा, ठीक है, इसको राइट डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना, जल्दी जल्दी राइट डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, जल्दी जल्दी राइट डाउन कर लीजिए, बस केवल हम फॉर्मूला पर सेट करते जाएंगे, आसानी से सब सवाल बनते जाएगा हमारा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। फॉर्मूला जल्दी से जल्दी आप लोग याद रखिए, और डिफाइन जो दिया गया है उस डिफाइन को आप लोग याद कर लीजिए, ताकि टर्म को एक्सप्लेन करने में सुविधा हो, समझ जाए कि हम क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देख सकते हैं अगला एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल थ्री में हमारा कोई क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया एग्जाम्पल थ्री में कि मोहित सोल्ड ए वॉच, मोहित सोल्ड ए वॉच, मोहित सोल्ड ए वॉच टू करीम, टू करीम एट ए गेन ऑफ 10%, एट ए गेन ऑफ 10%। इसके बाद एंड करीम सोल्ड इट टू रहीम, एंड करीम सोल्ड इट टू रहीम, करीम सोल्ड इट टू रहीम एट ए गेन ऑफ 4%, एट ए गेन ऑफ 4%, एट ए गेन ऑफ 4%। इफ रहीम पेज रुपीज 14,300, इफ रहीम पेज, इफ रहीम पेज, इफ रहीम पेज रुपीज 14,300 फॉर एट, फॉर एट, देन फॉर हाउ मच डिड मोहित परचेज एट, देन फॉर हाउ मच डिड मोहित परचेज इट, परचेज इट, यानी मोहित का कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है। चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्वेश्चन हमारा है कि मोहित ने कोई भी वॉच करीम को बेचा 10% फायदे पर, ठीक है, मोहित ने 10% फायदे पर करीम को कोई भी वॉच बेचा, और करीम फिर उसी को रहीम को कितना 4% गेन पर बेच रहा है, ठीक है, तो मोहित का कॉस्ट प्राइस कितना है, ठीक। तो मान करके चल सकते हैं कि लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ मोहित इक्वल टू रुपीज, हमने एक्स मान लिया, सपोज मान लेते हैं कि मोहित का कॉस्ट प्राइस एक्स है, ठीक है, गेन कितना ले रहा है ये, गेन ऑफ मोहित तो 10% ऑफ एक्स, दैट मीन्स 10x/100, तो सेलिंग प्राइस ऑफ मोहित, सेलिंग प्राइस ऑफ मोहित कितना होगा, हमने बताया फॉर्मूला कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस गेन, कॉस्ट प्राइस इसका एक्स है,
और गेन इसका 10x/100 यानी हो गया कितना 100 10x/100। ये इसका क्या हो गया मोहित का सेलिंग प्राइस। अब जितना में मोहित बेचेगा उतना ही में करीम खरीदेगा, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ करीम, कॉस्ट प्राइस ऑफ करीम कितना हो गया, कितना हो गया हमारा। अब करीम क्या कर रहा है, 4% का गेन ले रहा है, ठीक है। तो गेन ये कितना ले रहा है, गेन ऑफ करीम तो हो गया इसका 4% ऑफ 110x/100, ठीक है। इसको निकाल ले रहे हैं हम, यानी 4/100 into 110x/100 एक जीरो से काट सकते हैं हम, यानी हमारा कितना हो गया बच्चों, ये 11 4 44x/1000 ये गेन हो गया इसका, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा इसका करीम का, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ करीम इज इक्वल टू, तो सेलिंग प्राइस करीम का हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस इसका कितना था करीम का हमारा 110x/100 प्लस गेन कितना लिया ये 44x/1000। इसको सॉल्व कर देंगे हम, एलसीएम ले लिए, 1000 हो गया, यानी 1144x/1000 ये करीम का सेलिंग प्राइस हो गया। अब फिर ध्यान देने योग्य है हमारा कि जितना में करीम बेचेगा उतना ही में रहीम उसको खरीदेगा, यानी जो इसका सेलिंग प्राइस हो गया वो रहीम का कॉस्ट प्राइस हो गया, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ रहीम इज इक्वल टू हमारा आ गया कितना 1000। अब क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं रहीम का कॉस्ट प्राइस कितना है 14300, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वल टू 14300 ये है। अब यहां से एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे और एक्स इक्वल टू 300 into 1000 by, ठीक है। अब इसको हम क्रॉस कर सकते हैं, 11 से क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। तो 11 से कर सकते हैं इसको हम, तो 11 1 जा 11 0 11 4 जा 44 11 से इसको भी क्रॉस कर सकते हैं हम, 11 1 जा 11 3 3 33 11 3 जा 33, क्लियर हो गया, ठीक। इसको फिर और क्रॉस कर सकते हैं, 2 से क्रॉस कर सकते हैं हम, ठीक। तो 51 52, ठीक है, 52 हो गया, और इसको क्रॉस कर सकते हैं हम 2 से, तो हमारा हो जाएगा 2 6 12 15 25 15 0 हो गया। अब इसको हम 13 से काट सकते हैं, तो 13 4 जा होता 52 और 13 5 जा 65 हमारा होता है, ठीक है ना, एक जीरो लग जाएगा, ठीक है। अब और भी छोटा कर सकते हैं हम इसको, तो 2 2 जा 4 25 2 जा 50, 2 बच गया। अब इसको हम क्रॉस कर सकते हैं इससे 2 से, तो 2 5 जा 10, 1 2 0, यानी हमारा हो गया 25 into 500, क्लियर। तो कितना हो गया बच्चों हमारा, ये 25 5 150 और ये 2 जीरो लगा देंगे, यानी 12500 x का वैल्यू निकल गया। देयरफोर
कॉस्ट प्राइस ऑफ कौन हमारा मोहित, कॉस्ट प्राइस ऑफ मोहित हमने एक्स माना था, कितना आ गया ₹12,500। फसल कितना हो गया 12,500, यानी मोहन परचेज इट फॉर ₹12,500। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है, जल्दी से जल्दी। ठीक, और इस तरह से और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक अब समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं अपने SW सेक्शन की ओर, और आज के SW में आप लोग एक्सरसाइज 11A कंप्लीट करके हमें इवनिंग सेशन में सेंड कर देंगे। ठीक है, आज के SW में हम लोग आते हैं अपने SW सेक्शन की ओर। तो SW में आज क्या करेंगे बच्चों, आप लोग एक्सरसाइज 11A क्वेश्चन नंबर 11 टू लास्ट 22 तक है हमारा। ठीक है ना, क्लियर। ठीक, तो इसको 11 से लेकर के 22 तक सॉल्व करके हमें इवनिंग सेशन में सेंड कर देंगे। ठीक है, तो इसको आराम से बनाइए। ओके, बाय एंड हैव ए नाइस डे।